भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे और मीडिया कर्मियों सहित संभाग के सभी जिला अध्यक्षों से चर्चा की। उज्जैन संभाग के बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा देर रात को पहुंचे और यहां पर संभाग से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों की चर्चा की। इस दौरान उज्जैन संभाग के बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी कार्यालय फ्रीगंज स्थित जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कार का आना हुआ, वैसे ही ड्यूटी पर तैनात माधव नगर थाने के प्रभारी जो ड्यूटी पर थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समक्ष झुककर अभिवादन किया। ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारी दिनेश प्रजापत का इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का अभिवादन करना कांग्रेसियों को रास नहीं आया और उज्जैन के कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि माधव नगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापत शासकीय कर्मचारी है और उन्हें अपनी मर्यादा और अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एक जिम्मेदारी के साथ और एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते से हम सब लोगों को इन पर ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, जनजाति क्षेत्रों के अंदर वो जा रहे हैं, जनजाति क्षेत्रों के अंदर कह रहे हैं ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना कोई धर्म नहीं है, आप तो अदर रिलीजन पर्सन है। हिंदू धर्म को कैसे प्रभावित किया जा सकता है ट्राइबल क्षेत्र में, उड़ीसा में लगे। तो ये कई प्रकार के देश विरोधी ताकतें, देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतें लगी हैं। तो हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में हम सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए अपना कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए उनके लिए, क्या चुनाव में भी महिलाओं का देश के अंदर ऐसी घटनाएं कराने लगते हो, राजनेता कैसे उनको
ताकि किसानों से कोई लेना देना नहीं और किसान आंदोलन के नाम पर तथा जिन किसानों को बताने का काम शशि थरूर से लेकर के जिन लोगों ने किया, तो एक किसान जो एक्सटेंड में जिसकी मौत हुई उसको ये कहकर के पुलिस की गोली से किसान आंदोलन में ले गए और उनको तांगे में लपेट करके जो नाटक किया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश विरोधी ताकतें हैं ये और देश के उन्होंने देश के खिलाफ काम किया, इसलिए इनके खिलाफ मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देश के अंदर होनी चाहिए। कोई कानून नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे राजनीतिक दल है, प्रयास कर रहा है कैसे कुछ कर पाते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।